हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको प्रकाश में परावर्तन की घटना पढ़ाई जा चुकी है, ठीक। तो परावर्तन में आपको दर्पण बताया गया है, दर्पण के बारे में कि दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आपको बताया गया था कि समतल दर्पण और दूसरा बताया गया था गोलीय दर्पण, ठीक। प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर, ये दो चीजें आपको बताई गई थी। इसमें भी दो भाग अवतल और उत्तल दो दर्पण बताए गए थे। आज हम उन्हीं से संबंधित कुछ महत्वभाषाओं को समझेंगे। देखो गोलीय दर्पण में जैसे यह आपका कोई खोखला गोला है, ठीक, और इस गोले को अगर हम यहां से और यहां से काट लेते हैं, इसके अगर हम अंदर की तरफ कलई करते हैं तो ये परावर्तक पृष्ठ बाहर होगा, भरा होगा कि उत्तल दर्पण होगा। और अगर हम ये बाहर की तरफ कर देते हैं यही, तो आप देखो ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है जो कि धंसा हुआ है, यानी अवतल। ये कैसा दर्पण होगा अगर हमारा, ये अवतल दर्पण होगा। तब इस अवतल दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम पढ़ेंगे। इसको हम यानी लिख देते हैं यहां पर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डेफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। पहली डेफिनेशन क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है ये हम समझेंगे, ठीक है। नंबर एक, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता के ध्यान दो, ये दर्पण आदमी किससे काटा है, इस कांच के खोखले गोले से, बस होगा। तो इस खोखले गोले का कोई ना कोई सेंटर रहा होगा, केंद्र। तो जो इस खोखले गोले का केंद्र होता है वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। ध्यान दो, वक्रता का मतलब घुमाव, यानी कितना वक्र है, बस होगा। और यह निर्धारित करता है केंद्र, केंद्र से जितना अधिक दूरी होगा उसकी वक्रता उतनी कम होगी, जितना नजदीक होगा उसकी वक्रता उतनी ज्यादा होगी। तो ये क्या है, ये इसी दर्पण का वक्रता केंद्र है। इसको हम डिनोटेड बाय सी, इसे प्रदर्शित करते हैं सी से, ठीक। और यहां पे ध्यान दो, दूसरा है सेकंड ध्रुव, इसको हम बोलते हैं पोल। ध्रुव क्या होता है, ये इसके जो वृत्ताकार सीमा रेखा है, ठीक है, यम से लेके यम तक इसका जो मिड पॉइंट होगा, बिल्कुल मध्य बिंदु, ये क्या कहलाता है, ये दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ध्रुव यानी पोल। अब आप ध्यान दो, ये ध्रुव हो गया जो कि इस पूरे दर्पण का मध्य बिंदु होता है, और ये सेंटर हो गया। तो ध्रुव और सेंटर को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा, ध्यान दो, ये रहा, इसी के सीध में हम कहीं तक भी इसको ले जा सकते हैं। ये इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा, इसी के आधार पर हम किसी वस्तु का उल्टा या सीधा यह समझते हैं। यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य, ये है, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, ठीक। तो यहां से अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस इसको हम बोलेंगे। मुख्य अक्ष दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती हुई सीधी काल्पनिक रेखा होती है, ठीक। अब यहां से देखो तीसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग में आप पढ़ोगे वक्रता त्रिज्या। क्या पढ़ोगे, फोर्थ है वक्रता त्रिज्या।
त्रिज्या, ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान दो वक्रता त्रिज्या नाम से ही है, त्रिज्या किसकी, वक्रता की, तो जो इस पूरे गोले की त्रिज्या वही इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। देखो ये घुमाव जो है ये किस पे निर्भर करेगा, इसी त्रिज्या पर करेगा ना, ये C से लेकर यहाँ पर P तक ये क्या होगी, ये वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक, जो इस द्रव्यमान के वक्रता को घुमाव को निर्धारित करेगी। इसको हम किससे निर्धारित करते हैं, फैक्टर R से। अब ध्यान दो वक्रता त्रिज्या जो है ये आप समझ गए C से P तक, अब ये इस पे इस बिंदु पर लंबवत होती है, ध्यान देना, कोई भी प्रकाश की किरण अगर इस दर्पण पर इस ध्रुव के सापेक्ष आपतित होती है, यानी ध्रुव के ऊपर से जाके यहाँ पे टकराती है, ध्रुव नहीं सॉरी, ये मुख्य अक्ष के ऊपर से एकदम इसी के समानांतर इसी के ऊपर से अगर टकराती है, वो कहाँ से होके जाएगी, इसके पहले परावर्तन में आपको बताया गया था कि अभिलंब से जितने अंश के कोण पर टकराएगी उतने ही अंश के कोण पर वापस आएगी। अब क्योंकि ये सेंटर से होके जा रहा है, ये भी आपको बताया गया था, जो लाइन सेंटर से यहाँ किसी बिंदु पर टकराएगी वो लाइन इस पर अभिलंब होगी। गणितीय नियम है कि अगर किसी वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु पर खींची गई रेखा उस बिंदु पर क्या होती है, अभिलंब होती है, ये इस पर अभिलंब होगी, यानी कि जो भी मुख्य अक्ष के साथ सीधे पे पैरेलल आएगी इसके ऊपर से वो टकराकर पुनः उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। बात समझ में आया। अब हम आपको पढ़ाते हैं फोकस दूरी और फोकस क्या होता है। देखो फोकस त्रिज्या बढ़ेगी, यानी जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे किसी वृत्त
समय यही त्रिज्या जब एक समय बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, एक समय ऐसे घटते घटते वक्रता का क्या हो जाएगा, एकदम प्लेन हो जाएगा, बस हो गया। और जब प्लेन हो जाएगा, घुमाव ही नहीं है, तो त्रिज्या कहां लग जाएगी, त्रिज्या इसकी कोई सीमा नहीं होगी, यानी इसकी त्रिज्या जो आएगी वो पार तक आ जाएगी अनंत। बस हो गया, जब ये वक्रता घटते घटते बिल्कुल वक्रता रह ही नहीं जाएगी, एकदम प्लेन हो जाएगा, तो इसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या का अनंत तक, और अनंत का अगर आप आधा करते हो तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, अनंत आ जाएगी, यानी कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, वो भी अनंत होता है, ठीक, समतल दर्पण। देखो अब हमें पढ़ना है द्वारक, दर्पण का द्वारक, द्वारक क्या होता है, इसकी जो वृत्ताकार सीमा रेखा होती है, इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास, यानी यंत्र से लेकर यंत्र की जो वृत्ताकार सीमा रेखा है, इसका जो व्यास होता है वो क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक। ध्यान दो, आपने दर्पण से संबंधित परिभाषाएं समझ ली, किससे समझा हमने, हमने समझा अवतल दर्पण से, किससे समझा, अवतल दर्पण। अब चाहे उत्तल दर्पण भाषा सेम वही रहेगी, बस थोड़ा सा इसमें आगे की तरफ क्योंकि पीछे होगा, हम आपको समझा देते हैं कैसे होगा। देखो ये भी एक पूरा वृत्त होगा, ठीक है, उसी से हम काटेंगे और उत्तल दर्पण हम बना रहे हैं, तो अंदर की तरफ ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, इसका ये परावर्तक पृष्ठ कैसा है, उभरा हुआ है, इसका परावर्तक पृष्ठ, इसमें भी हम आपको परिभाषाएं समझा देते हैं, सेम वही है, या तो ये जो वृत्त है इसका कोई ना कोई केंद्र होगा, ठीक, वो क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र, यानी कि आपने देखा कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र इधर इधर था और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र इस तरफ है, बस हो गया, दाई तरफ इस पे वक्रता केंद्र किधर है, दाई तरफ। अब कोण, कोण वही चीज है, इस पूरे एबिंग का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पोल या ध्रुव, और पोल से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाएगी, ये दूरी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या, क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, यानी कि आर। अब आप ध्यान दो, और इसी को अगर हम बढ़ा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, क्या हो गया, मुख्य। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण जब इससे टकराएगी, यहां पे समझने वाली बात है, ये इससे टकराने के बाद इस पार तो जा नहीं सकती, क्योंकि ये अपारदर्शी है, बस समझ में, दर्पण में इधर अगर आप कर रही थी होगी अपारदर्शी, इस तरफ तो जा नहीं सकती, आना इसको इधर ही है, अब वो नीचे आएगी ऊपर, इसको समझो जैसे जब कोई घुमाव है, ये उभारदार घुमाव है, जब यहाँ पे कोई गेंद टकराती है तो किधर निकलेगी, इधर तो आ नहीं सकती, धार उधर ना उसी तरफ जाएगी, बात समझ में, ये बस समझने के लिए ध्यान देना, नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा, तो जब ये इधर जाएगी इसमें भी धार उधर है, कहने का मतलब ये है कि ये सेंटर जो है यही निर्धारित करता है लाइट किधर जाएगी, इसका घुमाव देखो, यहाँ पे जो अभिलंब होगा इस बिंदु पर, यह अभिलंब क्या होगा, यह अभिलंब होगा, ठीक। अब यहां से जो किरण निकलेगी ये इस अभिलंब से, इसको हम कल्पना के तौर पर समझने के लिए खींच रहे, ध्यान देना ये लाइट इधर नहीं आ सकती, बस समझने के लिए हम खींच रहे ताकि समझ में आ जाए। तो देखो जितने एंगल पे है उतने ही एंगल से निकलेगी, किसकी सीट में निकलेगी, इधर जो सीट बनेगा उसका भी एंगल जो है इतना ही होगा, जितना ये है
फोकस, यानी कि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के ध्रुव के किस तरफ होता है, दाईं तरफ जिधर सेंटर है, और उसमें ये किस तरफ था उत्तल दर्पण में, बाईं तरफ था। अब फोकस दूरी क्या होगी, यही आपकी फोकस दूरी होगी इतना, ठीक। और ये पूरा क्या होगा, ये आपका रेडियस होगा, तो यहां डिस्टेंस ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है, इमेज सही से नहीं बन पाया है, ये और ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि f जो है वो हमेशा r का आधा होगा। अगर दो इधर लाते हो तो हो जाएगा 2m बराबर r, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस की दोगुनी होती है। इसलिए कहीं कहीं पर हम सेंटर की जगह क्या लिखते हैं, 2f लिखते हैं, ठीक। ये बात समझ में आया। अब ध्यान दो, इसमें भी द्वारा ये जो पूरी परिसीमा है इसका जो व्यास होगा ये क्या कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा। अब यहाँ पर जो चीज हम पढ़ेंगे दर्पण के, उसमें ये माना जाएगा कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, ये मान पढ़ा जाएगा। बात समझ में आया। नेक्स्ट देखो, चलो आज आपने इस वीडियो में पढ़ लिया गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक।